नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मा फैंटेसी ग्रुप में। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के मैच नंबर 31 जो आपका खेला जाएगा दोस्तों केकेआर और केकेआर के सामने दोस्तों राजस्थान की टीम। जानते हो यार, दोनों टीम ना कमाल के फॉर्म में चल रही है पूरे टूर्नामेंट में। आप केकेआर के दोस्तों सभी बैट्समैन ले लो या इनके बॉलर ले लो जो फॉर्म में नहीं थे वो भी अब फॉर्म में आ चुके हैं, और इनकी टीम दोस्तों पॉइंट टेबल में ना यार रॉकेट की स्पीड की तरह टॉप पे जा रही है। और वहीं दोस्तों राजस्थान की टीम स्टार्टिंग से ही अच्छा कर रही है, इनके तो सभी प्लेयर ऑलरेडी फॉर्म में हैं। और इस मैच में बटलर भी दोस्तों हाई चांस रखिएगा खेलते हुए दिख रहे हैं। लास्ट मैच बटलर नहीं ना खेले थे, बट इस मैच में अवेलेबल है बटलर, ये भी चीज दोस्तों ध्यान रखना है। और बटलर खेलेंगे तो और ज्यादा ये टीम स्ट्रांग दिख रही है। तो देखो यार, दोनों टीम तो अपना बेस्ट देगी, मैच भी दोस्तों बेस्ट रहने वाला है, लेकिन मैच से ज्यादा हम लोग को फर्क तो है नहीं। हम लोग को ये देखना है यार, क्या इस मैच में हम लोग अपना बेस्ट दे सकते हैं, कौन ऐसे 11 बेस्ट प्लेयर हम लोग को चूज करना है इस मैच के लिए। इस मैच का गेम चेंजर प्लेयर कौन होगा, ट्रम्प कार्ड प्लेयर कौन होगा, छुपा रुस्तम कौन होगा दोस्तों इस मैच का, जिसको अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बट छुपा रुस्तम दैट मींस निकल के बाहर आएगा वो कौन हो सकता है। सभी को दोस्तों मैं कोशिश करूंगा आपके साथ अपना बेस्ट और इजी वे में आपके साथ शेयर करूं जो आपको एक टीम बनाने में हेल्प करे। पहले बारी बारी से देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं वेन्यू, ये जो मैच होने वाला है दोस्तों किनका होम ग्राउंड है, केकेआर का या दोस्तों राजस्थान का। तो मैच होगा दोस्तों ईडन गार्डन में, दैट मींस कोलकाता का दोस्तों ये होम ग्राउंड रहने वाला है। सबसे पहले दोस्तों पिच के रिगार्डिंग हम लोग टॉस को समझ लेते हैं कि इस पिच पे दोस्तों टॉस का कितना इंपॉर्टेंस होता है। तो टोटल देखो, आप देखोगे आईपीएल में 88 मैचेज हुए हैं इस फील्ड पे, और इस 88 मैच में दोस्तों बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 37 मैच विन किया और बैटिंग सेकेंड करने वाली टीम ने ना 51 मैच विन किया है। दैट मींस जो भी कैप्टन टॉस विन करेंगे ना, हाई चांस रखिए दोस्तों, 100% नहीं बोलूंगा लेकिन 99% आप रखिए, वो बैटिंग दोस्तों सेकेंड ही करना चाहेंगे, ठीक ना, सेकेंड बैटिंग। दिन का मैच रहता तो कैप्टन फर्स्ट बैटिंग लेते, लेकिन रात का मैच है तो बैटिंग सेकेंड, क्योंकि ओस आता है ईडन गार्डन में और ड्यू आने की वजह से दोस्तों सेकेंड इनिंग में बैटिंग करना बहुत आसान होता है। ओके, और देखो ना इसी आईपीएल में इस पिच पे मैचेज हुए हैं, टोटल दोस्तों 2 मैच हुए हैं इसी साल इस पिच पे। दोनों मैच भी मैं आपके साथ दिखाता हूँ कि उसमें स्कोर क्या लगे और किसको कितना विकेट मिला स्पिनर फास्ट बॉलर का। और लास्ट 2 मैच को ध्यान में रखते हुए इस मैच का एवरेज स्कोर हम लोग निकालते हैं। देखो दोस्तों, जो लास्ट मैच हुआ था ये खेला गया था आपका लखनऊ और दोस्तों केकेआर के बीच में। लखनऊ की टीम बैटिंग फर्स्ट करती है, बहुत खराब बैटिंग करती है, सिर्फ 161 स्कोर कर पाती है, बट केकेआर की टीम स्कोर को इजिली टारगेट चेस कर जाती है। 162 करने के लिए केकेआर की टीम देखिए कितना ओवर ली, 215.4 बॉल में मैच फिनिश, बैटिंग सेकेंड फेवर हुआ, ठीक ना। इससे पहला जो मैच हुआ था ये हुआ था आपका केकेआर, और केकेआर के सामने थी दोस्तों सनराइजर्स की टीम। इस मैच में दोस्तों देखिए तो केकेआर की टीम ने बैटिंग फर्स्ट किया और टोटल दोस्तों 208 रन इन्होंने स्कोर किया, ठीक ना। और ये 208 में दोस्तों इनका टोटल 7 विकेट गिरा, और जब सामने जो टीम एसआरएस की टीम बैटिंग करने आई तो सिर्फ 204 ही स्कोर कर पाए, और इसमें भी दोस्तों विकेट गिरे टोटल 7 विकेट। फर्स्ट मैच में आप देखोगे पेसर 7 विकेट लेके गए, स्पिनर को दोस्तों सिर्फ 2 विकेट मिला। सेकेंड मैच में भी दोस्तों सेम ही रेशियो रहा है, पेसर 9 विकेट लिए तो स्पिनर को सिर्फ 2 विकेट, 4 विकेट मिला है। तो जो लास्ट 2 मैच हुए हैं ना यार, देखो उससे एक चीज तो क्लियर है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा। दोनों टीमों का ना बैटिंग बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है, तो लो स्कोरिंग मैच तो नहीं होगा। तो इस मैच का एवरेज स्कोर का बात करें तो जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करे आपका एवरेज स्कोर रहेगा 170 और दोस्तों 200 के बीच में। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक बार फिर से आपको 200 वाला मैच देखने को मिल सकता है। दोनों टीम का बैटिंग ही 200 प्लस पॉइंट है, दोनों टीमों का बैटिंग बहुत स्ट्रांग है। पेसर स्पिनर में दोस्तों आपको यही लास्ट 2 मैच को ध्यान में रखना है कि पेसर जितना हो सकता है टीम में ले लेंगे। स्पिनर में आप ऐसे स्पिनर लो जो आपको बैटिंग भी करके दे दे और बॉलिंग भी, जैसे सुनील नारायण सभी के टीम में रहेंगे, आप ऐसे स्पिनर को बैक करो। चहल को आप एज ए एक्सपेक्टेड बैक कर सकते हो, क्योंकि यार चहल तो चहल है, कहीं भी विकेट ले लेते हैं। तो बस एक स्पिनर में चहल को लो और सिर्फ फास्ट बॉलर पे फोकस कीजिए, ठीक ना। मैं आगे आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि पेसर स्पिनर में किस पे आपको ज्यादा डिपेंड होना है। एवरेज स्कोर समझ गए, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों टीमों का हेड टू हेड देखे तो दोनों टीमों के बीच में जो मैचेज हुए हैं उसमें आप देखोगे दोस्तों केकेआर की टीम ने 14 मैच विन किया और राजस्थान की टीम ने टोटल 13 मैच विन किया, टोटल 27 मैच में। तो यहाँ पे ना दोनों टीम एक तरह से देखो इक्वल है, एक मैच थोड़ा सा ज्यादा केकेआर को फेवर है,
लेकिन ओवरऑल देखो दोनों टीम अच्छा कर रही है। बात कर ली इस टीम में कौन सी टीम मैच विन कर सकती है, तो देखो दोस्तों दोनों टीमों का इस टूर्नामेंट में भी परफॉर्मेंस एक जैसा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी दोस्तों एक जैसा है। तो मैं यहाँ पे ना सिंपल टॉस को फैक्टर करूंगा, जो भी टीम बैटिंग सेकेंड करती है आप उसको एडवांटेज ले सकते हो, आप उसको फेवर करके जा सकते हो। ओके ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और हम लोग कुछ ऑफर भी देख लेते हैं स्पोर्ट्स बाजी पे जो आपके लिए मैंने प्रोवाइड किया है। एक तो देखो यार, जिन भाइयों ने ना अभी तक स्पोर्ट्स बाजी पे अपना फर्स्ट डिपॉजिट नहीं किया है, जितने भी मेरे न्यू मेंबर है यार जरूर करो, क्योंकि ये 10% वाला ना ऑफर ज्यादा दिन अब बचा नहीं है। 10% रियल कैश बैक का ऑफर है दोस्तों, रियल कैश, बोनस नहीं दोस्तों, रियल कैश। और ऑलरेडी जीएसटी फ्री ऐप है, यहाँ पे कोई जीएसटी आपको नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और 10% अभी के टाइम में ना मुझे नहीं लगता है कोई ऐप आपको देने वाला है रियल कैश, कोई नहीं देगा, बेनिफिट लीजिए, ठीक ना। रेफर कोड आपको नीचे मिल जाएगा, शर्मा इसका आपको रेफर कोड यूज कर लेना है IPL10, ठीक ना। जब आप डिपॉजिट करने जाओगे ना वहां पे भी रेफर कोड है, साथ ही साथ ग्रैंड लीग आप ट्राई कर सकते हो, 39 का ग्रैंड लीग है, टोटल विनिंग भी दोस्तों सॉलिड है और कंपटीशन लेवल ना बहुत कम है, सिर्फ 15,000 मेंबर के बीच में कंपटीशन है। ग्रैंड लीग भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, गैजेट कॉन्टेस्ट भी आपको सभी मैच में मिल रहा है, छोटा सा गैजेट कॉन्टेस्ट रहता है, ये भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। और स्मॉल लीग का टीम तो मैं दूंगा, आप उसके साथ जरूर ट्राई करना, ठीक ना। 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर जो आप प्ले करना चाहो प्ले कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्ले करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है ना, अदर ऐप के कंपेयर में इसका जो एंट्री फी है ना दोस्तों कम है अदर ऐप के कंपेयर में, तो इससे आप अपना और पैसा सेव भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो जरूर ट्राई कीजिएगा। और फैंटेसी के साथ साथ यदि आप स्टैट्स प्रो प्ले करना चाहते हो तो आप क्वेश्चन देके, आप क्वेश्चन रहेगा आंसर देके आप वो भी अर्निंग कर सकते हो, स्टैट्स प्रो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। स्टैट्स प्रो में जो भी क्वेश्चन बेस्ड लगे, जैसे ये क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है MS कोलकाता विन करेगी, तो आप यस पे कर सकते हैं, नो यदि आपको लगता है नहीं तो आप नो पे कर सकते हैं। और जो ऐसा आपका वैलेट हो उसके आधार पे आप अपना यहाँ पे पैसा सेट करके इसको भी प्ले कर सकते हैं। जिन भाइयों ने स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है जरूर कीजिएगा, इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दिया हूं। और जब भी डाउनलोड कीजिएगा डिपॉजिट ऑफर जो 10% वाला है ना उसका लाभ जरूर लीजिएगा। और स्मॉली का टीम मैं आपको अभी भी शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। बात कर ले दोस्तों प्लेइंग 11, सबसे पहले कोलकाता का प्लेइंग 11 देख लेते हैं दोस्तों। आपको क्या लगता है कोलकाता की टीम कोई चेंज करेगी? मुझे नहीं लगता है दोस्तों, सेम प्लेइंग 11 आपको दिखेगा जिसमें ओपन पी साल्ट नारायण श्रेयस अय्यर आपको दिख जाएंगे फर्स्ट राउंड। फिर दोस्तों इनका ना रघुवंशम का दोस्तों बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होता है, हो सकता है ये पहले आ जाए श्रेयस अय्यर बाद में आ जाए। रसेल मस्ट पिक है दोस्तों अनदर इंपॉर्टेंट मैच में। रिंकू सिंह थोड़ा सा अच्छा फॉर्म नहीं रहा है, लास्ट ईयर जैसे फॉर्म में थे इस साल थोड़ा सा ना फॉर्म गड़बड़ाया हुआ है। बी अय्यर का यार बैटिंग ऑर्डर ना एकदम आप कुछ समझ भी नहीं सकते कि यार इसका बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है। इसका नाम हमेशा आपको टॉप ऑर्डर में मिलेगा जब प्लेइंग 11 आता है, बट कभी भी दोस्तों ये टॉप ऑर्डर में नहीं आते हैं। बॉलिंग से जो इंपॉर्टेंट मेरे को दिख रहा है, एक तो स्टार्क रहेंगे दोस्तों, डेथ में बॉलिंग कर रहे हैं, रसेल बॉलिंग के साथ साथ बैटिंग भी देंगे, नारायण दोस्तों हमेशा की तरह फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो छुपा हुआ रुसम निकल सकता है ना इस मैच का दोस्तों ध्यान रखिएगा, वो है दोस्तों इधर से आपको एच राणा। लोग कम ट्राई कर रहे हैं लेकिन इस मैच का छुपा हुआ रिसम KKR के तरफ से कोई बन सकता है तो वो एच राणा है, ध्यान रखिएगा इस प्लेयर पे। ओके ना, जब लास्ट टाइम इस पिच पे खेले थे SRS के अगेंस्ट दोस्तों 4 विकेट लेके गए थे, तो एच राणा भैया पे थोड़ा सा फोकस रखना है। राजस्थान का प्लेइंग 11 देखें तो बटलर आपको इस मैच में खेलते हुए मिलेंगे और कोई खास चेंजेज आपको नहीं मिलेगा, सेम प्लेइंग 11 रहेगा, ठीक ना। राजस्थान की तरफ से कौन से प्लेयर छुपा रुस्तम निकल सकते इस पिच पे? तो मेरे को दोस्तों जहां तक दिख रहा है राजस्थान को ना इस मैच में यदि थोड़ा सा भी बेस्ट करना है तो यार यशस्वी जायसवाल को परफॉर्म करना पड़ेगा और बड़ा स्कोर करना पड़ेगा, 70-80 रन स्कोर करना पड़ेगा, तभी राजस्थान की टीम यहाँ पे कुछ बड़ा टारगेट दे सकती है, नहीं तो राजस्थान की टीम फंस सकती है क्योंकि सामने बॉलिंग अच्छा और उनका बैटिंग बहुत ज्यादा अच्छा है। तो राजस्थान के बैट्समैन को अच्छा करना होगा और बड़ा टारगेट देना होगा सामने वाली टीम पे। और कोई चेंज होगा तो मैं होना आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा टस के बाद। चलिए आ जाते हैं दोस्तों अपने प्रेडिक्शन पे। 2 विकेट कीपर है, पी साल्ट और बटलर, दोनों को आपको लेना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोनों का हम लोग दोस्तों स्टैट्स भी देख लेते हैं फिर आगे का प्रेडिक्शन देखेंगे। हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो आपको पी साल्ट का कोई हेड टू हेड रिकॉर्ड नहीं मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम दोस्तों खेलेंगे किसके अगेंस्ट? राजस्थान के अगेंस्ट। बट रिसेंट मैचों में कमाल का परफॉर्मेंस रहा है, बोले तो फारू परफॉर्मेंस रहा है। इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में बैटिंग पिच रहने वाला है दोस्तों, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक ना। हो सकता है कि बोल्ट के सामने थोड़ा सा फंस भी जाए
लेकिन यदि बोल्ट का फर्स्ट ओवर निकाल गया ना, तो फिर से इस मैच में ये बंदा आपको 50 कर जाएगा। यदि राजस्थान को इनको आउट करना है तो फर्स्ट ओवर में ही आउट कर सकते हैं, और पूरा उम्मीद रहेगा कि बोल्ट इनको फर्स्ट ओवर में किसी भी तरह आउट करने का कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन बच गए उसके बाद बहुत बड़ा करके जाएंगे। तो स्मॉल लीग में मत ड्रॉप कीजिएगा, ड्रॉप करना हो जीएल में आप कीजिएगा, ठीक ना, ग्रैंड लीग में यदि बट बोल्ट विकेट ले गए तो फिर ग्रैंड लीग का आपका कॉम्बिनेशन काम कर जाएगा, और स्मॉल लीग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आउट हो भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन ड्रॉप कर दोगे और रन कर दिए ना, तो स्मॉल लीग आपका लॉस। बटलर का दो परफॉर्मेंस देखे तो बढ़िया रिकॉर्ड है, 12 मैच में 370 रन ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं केकेआर के अगेंस्ट, इंपॉर्टेंट पिक है। और बटलर को इस पिच पे 200 खेलने में भी मजा आता है। इस पिच पे बटलर से ना आप 40 से 60 रन का उम्मीद कर सकते हैं। इधर आपको संजू बाबा मिलेंगे, रिकॉर्ड ठीक है दोस्तों, 19 मैच में 30 का एवरेज रहा है इनका, किसके अगेंस्ट, तो सामने वाली टीम के अगेंस्ट, दैट मींस केकेआर के अगेंस्ट। इस मैच में आप संजू बाबा से ध्यान रखिएगा, उम्मीद कीजिए 40 से लेके 250 रन का आप इनसे भी उम्मीद कीजिए, ठीक ना, 50 से ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ज्यादा लग रहा है कि इस मैच में बटलर को थोड़ा ज्यादा स्कोर करना पड़ेगा। संजू इस मैच में बटलर से कम स्कोर करेंगे, लेकिन स्कोर जरूर करेंगे, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और विकेट कीपिंग से भी आपको एडवांटेज देते हैं ना। बैटिंग सेक्शन में आइएगा, श्रेयस अय्यर का ऑप्शन मिलेगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे, 10 मैच में 35 का एवरेज भी है और रिसेंट मैच भी बहुत अच्छा रहा है। जब भी बैटिंग का चांस मिला है, जितना चांस मिला है हमेशा बेस्ट परफॉर्मेंस करके गए, तो इंपॉर्टेंट है, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आपको ट्राई कर लेना है। यशस्वी जायसवाल का रिकॉर्ड तो बहुत कातिलाना है, 3 मैच में 120 रन स्कोर कर चुकी है केकेआर के अगेंस्ट, बहुत अच्छा खेलते हैं केकेआर के लिए, केकेआर के अगेंस्ट, लेकिन सामने इस बार स्टार्क रहेंगे और लेफ्ट आर्म बॉलर ने इनका पूरे आईपीएल में परेशानी रहा है। तो वही मैं बोल रहा था, यदि राजस्थान को इस मैच में कहीं से भी थोड़ा सा बेस्ट करके निकलना है ना, तो इनको परफॉर्म करना पड़ेगा, और इनको परफॉर्म करना है डेट मीन्स इनको स्टार को टैकल करना पड़ेगा, तभी दोस्तों ये टीम बेस्ट कर सकती है इस मैच में, ठीक ना, नहीं तो स्टार इनको स्टार्टिंग में ले जाएंगे। बस उम्मीद करते हैं कि बॉल को देख के खेले, भाई मारने चले जाते हैं सब बॉल को दोस्तों, मारने चले जाते हैं, बॉल के मेरिट पे खेले, जिधर बॉल आ रहा है उस साइड दोस्तों अपना बल्ला लेके जाए, ये नहीं कि बॉल इधर आ रहा है और मार रहे हैं इधर और यहाँ पे कैच उठ रहा है। तो भैया जी सही से खेलिएगा, स्टार के सामने प्रॉब्लम रहेगा, बट रिकॉर्ड बहुत कातिलाना है, चाहे इस पिच पे भी आप देखोगे तो 5 मैच में 38 का एवरेज है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है, स्मॉल लीग में आप बैक कर सकते हो इस मैच में, ठीक ना। यदि आप स्टार को कैप्टन बीसी कर रहे हो फिर आप बैक मत करना, तब हटा देना, ठीक ना। चलो और देखे बैटिंग सेक्शन में, रघुवंशी उतना अच्छा दोस्तों आपको हेड टू हेड रिकॉर्ड मिलेगा नहीं क्योंकि कभी खेले ही नहीं है दोस्तों, बट रिसेंट मैच जस्ट ठीक ठाक रहा है, मैं स्मॉल लीग में बैक नहीं कर रहा हूँ, आप भी इग्नोर कर सकते हो। हिटमायर को भी दोस्तों मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ, आप ट्राई करना हो सिर्फ जीएल में करना, और सिर्फ ऐसे टीम में जब दोस्तों आप राजस्थान के टोटली टॉप ऑर्डर बैट्समैन नहीं ले रहे हो, यशस्वी जायसवाल नहीं ले रहे हो, बटलर नहीं ले रहे हो, फिर आप इनको ट्राई करना, क्योंकि यदि जल्दी विकेट गिरेगा तभी इनको ज्यादा से ज्यादा बॉल मिलेगा खेलने के लिए। यदि आप टॉप ऑर्डर भी ले लोगे और ये भी ले लोगे तो एक ना एक का दोस्तों ध्यान रखिएगा वो वेस्टेड जाएगा, तो वेस्ट करने से बेनिफिट है कि हम लोग रोटेट कर ले प्लेयर को, ओके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग बैटिंग सेक्शन में रिंकू भैया को मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ, बैटिंग फर्स्ट में मैं ट्राई करने को आपको रिकमेंड करूंगा, बैटिंग सेकंड में मत कीजिएगा। रिसेंट मैच अच्छा नहीं रहा है, पहला पॉइंट तो ये हो गया, और हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है, 3 मैच में 61 रन है, लेकिन बैटिंग बहुत नीचे करते हैं, और इस मैच में रसेल पहले आएंगे बैटिंग को और दोस्तों रिंकू बाद में आ सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि रसेल का रिकॉर्ड अच्छा है, तो इसलिए मैं रिंकू को इस मैच में बैक नहीं कर रहा हूँ अपने टीम में। ध्रुव ज्वेल को आपको एकदम ड्रॉप करके चलना है, ओके। चलिए अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन के लास्ट ऑप्शन, जिनको आपको नहीं ट्राई करना है बीएयर को, और ऑलराउंडर सेक्शन में आइएगा सुनील नारायण, 100% ट्राई करना है दोस्तों, रिकॉर्ड भी सॉलिड है, 18 मैच में 148 रन और 12 विकेट है, 18 मैच में 12 विकेट काफी इंपॉर्टेंट है, और आप सामने देखो ना तो लेफ्ट हैंडर आपको मिलेंगे, यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडर है दोस्तों, हिटमायर भी लेफ्ट हैंडर है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जरूर आप ट्राई करना सुनील नारायण को। इधर आपको यान प्रागया, देखो इनका रिकॉर्ड देखोगे ना तो आप बोलोगे नहीं लेंगे, 5 मैच में सिर्फ 14 का एवरेज है इनका दोस्तों, किसके अगेंस्ट, केकेआर के अगेंस्ट, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस रहा है ना 2024 का जो रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस है, टॉप क्लास प्लेयर है, लेके चलो दोस्तों, इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक ना। और मेरे को लग रहा है इस मैच में ना बढ़िया ये करके जाएंगे और आराम से दोस्तों इस मैच में भी 30+ स्कोर कर लेंगे। रसेल भैया ठीक ठाक रिकॉर्ड मिलेगा, 11 मैच में 187 रन और 7 विकेट,
ये जो 7 विकेट है ना आपको मजबूर करता है कि यार इनको लेना ही है। अब जैसे लास्ट मैच में आप देखिएगा इन्होंने 4 ओवर का बॉलिंग नहीं किया था, ठीक ना, ये भी एक डिसएडवांटेज होता है रसेल के साथ। लेकिन जब भी ईडन गार्डन पे खेलते हैं ना रसेल, हमेशा 203 से 4 ओवर इनको मिलता ही मिलता है। और ये मैच ईडन गार्डन में है तो रसेल का 200 ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक ना। देखो ना विकेट देखो, 35 मैच में 233 विकेट है इस वेन्यू पे, दैट मींस इस ईडन गार्डन पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। और यदि मैं रिंकू सिंह को नहीं ले रहा हूं तो फिर तो इनका लेना ही इम्पोर्टेंट है, और कैप्टन बीसी भी ट्राई कर सकते हैं। इधर आपको अश्विन का मिलेगा, 27 मैच में 224 विकेट है केकेआर के अगेंस्ट। इस पिच पे एक विकेट आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अश्विन, ठीक ना, ज्यादा नहीं लेंगे, एक विकेट ले सकते हैं। लास्ट ऑप्शन दोस्तों आपको नहीं ट्राई करना है रमनदीप सिंह को, बॉलिंग सेक्शन में आइएगा, वैभव अरोड़ा का ऑप्शन मिलेगा। वैभव अरोड़ा का रिसेंट मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 3 मैच खेले, तीनों मैच में विकेट लिए, फर्स्ट मैच में 3 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट। लेकिन इस मैच में ना मेरा ज्यादा फोकस दोस्तों एच राणा पे, हर्षित राणा पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखिएगा। वैभव अरोड़ा को ट्राई करना हो तो ग्रैंड लीग में कर सकते हो, यदि आप अपना टीम टोटली केकेआर को फेवर करके बना रहे हो और केकेआर के सभी बॉलर को टीम में लेके बना रहे हो फिर वहां ट्राई करना, स्मॉल लीग में मैं नहीं ट्राई कर रहा हूँ। चहल भैया को यार जरूर ट्राई कर सकते हो क्योंकि रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, 21 मैच में 28 विकेट ले चुके हैं दोस्तों केकेआर के अगेंस्ट, 5-5 विकेट एक एक मैच में लिए हुए हैं केकेआर के अगेंस्ट। वेन्यू पे भी ठीक रिकॉर्ड है, 9 मैच में 9 विकेट है, इंपॉर्टेंट रहेंगे, चहल भैया को ड्रॉप नहीं कीजिएगा। स्पिनर को कम विकेट मिलता है बट चहल भैया दोस्तों 2 से 2 विकेट तो यार ले ही लेते हैं एवरेज सभी मैच में, तो लेके चलिए चहल भैया को, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख ले बॉलिंग सेक्शन से, हर्षित राणा जैसा मैंने बताया थोड़ा ध्यान रखिएगा। वेन्यू पे भी आप रिकॉर्ड देखोगे 6 मैच में 7 विकेट है, हेड टू हेड कभी खेले नहीं है लेकिन इस मैच में बेस्ट करके जा सकते हैं और आपका छुपा हुआ रुस्तम निकल सकता है, तो स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक ना, चाहे बॉलिंग फर्स्ट हो चाहे बॉलिंग सेकेंड हो आप दोनों में ट्राई कर सकते हो। चलो इधर आपको मिल जाएंगे दोस्तों कुलदीप सेन का ऑप्शन, 1 मैच में 1 विकेट हेड टू हेड में, रिसेंट मैच 3 मैच खेले, तीनों मैच में विकेट लिए, लेकिन इस पिच पे मैं नहीं ट्राई कर रहा हूं क्योंकि इनको जो मैक्सिमम विकेट मिलता है ना वो दोस्तों लास्ट के फेज में मिलता है और इस बार सामने रसेल रहेंगे, रिंकू खेलते हैं दोस्तों, रिंकू रहेंगे तो हो सकता है इस बार विकेट ले जाए, ठीक ना, तो इनको आप ड्रॉप कर सकते हो इस मैच में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, तो इधर आपको मिल जाएंगे वरुण चक्रवर्ती का ऑप्शन, हेड टू हेड में देखोगे तो दोस्तों 6 मैच में 7 विकेट है, वेन्यू पे 10 मैच में 13 विकेट है, लेकिन स्मॉल लीग में मैं बैक नहीं कर रहा हूं क्योंकि राजस्थान की टीम में ना उनके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो बेस्ट स्पिन को टैकल करते हैं यान पराग, इस साल बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो आप सामने वाले टीम के ना स्पिनर को इग्नोर कर सकते हो। ये बहुत अच्छा मैं पॉइंट बता रहा हूं कि देखो यार किस टीम का मिडिल ऑर्डर ना स्पिन को बढ़िया खेलता है आप सामने वाले टीम के स्पिनर को हटा दो। यान पराग बहुत अच्छे 200 लेग स्पिनर को टैकल कर रहे हैं और हिट कर रहे हैं 6-4 में, तो इसलिए मैं नहीं ट्राई कर रहा हूं इनको वरुण चक्रवर्ती को। आवेश खान ट्राई कर सकते हो, हेड टू हेड रिकॉर्ड बहुत कमाल का है, 6 मैच में 10 विकेट लिए हुए हैं दोस्तों केकेआर के अगेंस्ट, रसेल को भी काफी 2 बार आउट कर चुके हैं आईपीएल में, फोकस रखिएगा। लास्ट मैच में भी 202 विकेट लेके आ रहे हैं और हम लोग के टीम में भी थे दोस्तों लास्ट मैच में, इंपॉर्टेंट रहेंगे आवेश खान, ठीक ना। डेथ में भी दोस्तों बॉलिंग करते हैं, चलिए आगे बढ़े दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में, स्टार को 100% ले लेना है, हेड टू हेड में भी 4 मैच में 6 विकेट है, इंपॉर्टेंट है स्टार को यार, इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि यशस्वी जायसवाल अच्छे फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, हो सकता है स्टार्टिंग में विकेट भी ले जाए। महाराजा का दोस्तों यार लास्ट मैच 2 विकेट लेके आ रहे हैं बट बहुत ज्यादा मैं स्पिनर को बैक नहीं करना चाहता हूं इसलिए मैं महाराजा को ट्राई नहीं कर रहा हूं, बट आप जीएल में कर सकते हो दोस्तों ध्यान रखना, मिनी जीएल में भी आप ट्राई कर सकते हो। महाराजा को ले रहे हो ना तो आप एक ड्रॉप कर देना, चाहे आप बोल्ट नहीं तो आवेश खान, दोनों में से कोई एक को ड्रॉप कर देना फिर आप इनको ट्राई कर लेना, ओके ना। यदि आप बोल्ट आवेश खान दोनों को ले रहे हो तो फिर आप इनको ड्रॉप कर देना। गेम चेंजर अभी भी क्योंकि मैं लास्ट मैच में इन्होंने 2 विकेट लिया जरूर है बट अभी भी इनको कोई ले नहीं रहा है। बोल्ट का रिकॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा, 9 मैच में 12 विकेट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है टीम में रखना, और इस पिच पे तो और भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पिच पे ना स्टार्टिंग में दोस्तों आपको स्विंग देखने को मिलता है, ठीक ना। चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों इस मैच का फाइनल टीम अभी के लिए क्या मैंने आपके लिए बना के रखा है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। मैंने ना विकेट कीपिंग सेक्शन से संजू बाबा को रखा है, पी साल्ट और बटलर को रखा है, बैटिंग सेक्शन से जायसवाल श्रेयस अय्यर, और राउंडर सेक्शन से यान पराग रसेल सुनील नारायण, बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों चहल है अपने टीम में, स्टार्क है और बोल्ट है। कैप्टन मैंने दोस्तों दिया है सुनील नारायण को और बीसी मैंने दिया है संजू बाबा को। अब देखो बीसी ना आप चेंज करके यहाँ पे चेंज करके अदर को भी ट्राई कर सकते हो, जैसे दोस्तों आपको रिस्क लेना हो तो स्टार्क पे दोस्तों इस पिच पे रिस्क ले सकते हो, रिस्क लेना हो तो बोल्ट पे एज अ बीसी करके रिस्क ले सकते हो, और सबसे सेफ जाना है
तो रसेल को आप ट्राई कर लेना, क्योंकि रसेल का रिकॉर्ड अच्छा है ईडन गार्डन में, हमेशा आपको 4 ओवर नहीं लेकिन 3 ओवर बॉलिंग जरूर करते हैं। तो रसेल इस मैच में खराब ऑप्शन नहीं है कैप्टन और बीसी के लिए। ओके सभी दोस्त टीम को सेव कर लीजिए, कोई चेंज करना होगा मैं हूं ना आपको अपडेट कर दूंगा। ओके टीम को सेव कर लीजिए, और यदि आपने टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया दोस्तों तो कर लेना। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन और इसी का कमेंट सेक्शन ओपन कीजिए ना, वहां पर भी मिल जाएगा आपको टॉप में कमेंट किया हुआ। तो जाइए वहां से जाके दोस्तों आप टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया दोस्तों तो जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर दोस्तों एंड बाय।